मध्य प्रदेश के सतना जिले से फिर गुंजी विंध्य प्रदेश के साथ मैहर को जिला बनाने की मांग। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने उठाई यह आवाज। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश से अलग होकर विंध्य प्रदेश बनाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि विंध्य क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है, जिससे विकास नहीं हो पा रहा है। अगर विंध्य प्रदेश अलग हो जाता है तो सही तरीके से उसका विकास हो पाएगा। नारायण त्रिपाठी का कहना है कि विंध्य क्षेत्र में एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, हेल्थ की व्यवस्था नहीं है, विंध्य क्षेत्र का कभी विकास नहीं हुआ है, जबकि हम सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों में से है। हमारे यहाँ हीरा है, कोयला है, सीमेंट उद्योग है, चूना पत्थर है, बिजली है, हम सक्षम हैं, मजबूत हैं। हमारा हक बनता है कि हमारा विंध्य प्रदेश यथावत उसी तरह बना दिया जाए। इसके लिए विधायक नारायण त्रिपाठी ने सभी से एक अपील की है कि इसकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे विंध्य के बुद्धिजीवी, समाजसेवी, युवा वर्ग, छात्र छात्राएं, सभी लोग इस आंदोलन को अपने हाथ में लें। हम सभी ताकत के साथ मांग उठाएं। आने वाली 16 तारीख को भोपाल में मीटिंग है, फिर वहां से आने के बाद पूरे विंध्य का दौरा करूंगा। जो लोग इस आंदोलन में आगे आएंगे, सभी को जोड़कर एक साथ चलकर विंध्य प्रदेश बनाने का काम करेंगे। वही मैहर को जिला बनाने को लेकर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बड़ा बयान दिया है कि मैहर जिला बनेगा। अब इसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे, इसमें कांग्रेस भाजपा की कोई बात नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी बात हुई है कि हमारे क्षेत्र को विकास कराना है। सतना से पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। हमारा जो पुराना बिंद है, हमें यथावत उस बिंद को दे दिया जाए। यदि कुछ सुधार करना है तो बैठ के कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, कौन किनारे, उसको देखा जाएगा। पुराने बिंद में रीवा, सीधी, सेडोल, उमरिया, ये पूरा हमारा रीवा, सतना होते हुए पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और दतिया, इतने में विंध्य प्रदेश होता था, दतिया किनारे होता है। अब यदि इसमें कुछ सुधार करना है तो देख लें, मेरे ख्याल 62 या 64 विधानसभा ये होती है। तो मैं विंध्य प्रदेश की मांग इसलिए किया कि हमारा विंध्य प्रदेश होता था, उसका विलय हुआ मध्य प्रदेश में। जब कुछ अलग प्रदेश बनाया गया तो छत्तीसगढ़ बन गया, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, उसका भी अच्छा विकास हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी छोटे राज्यों के पक्षधर थे, परंतु कांग्रेस सरकार के जमाने में 2000 में मध्य प्रदेश विधानसभा से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होते थे, श्रीनिवास तिवारी जी स्पीकर होते थे। उस दौरान विंध्य प्रदेश को बनाने के लिए सदन से प्रस्ताव पारित होकर दिल्ली गया। इसके बाद वो फाइल जिसकी तस अभी पड़ी हुई है, विंध्य प्रदेश बनाने की जरूरत है। हमारे विंध्य की उपेक्षा की गई है। विंध्य में एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, हेल्थ की व्यवस्था नहीं है, इनका विंध्य क्षेत्र कभी कहीं विकास नहीं हुआ है, जबकि हम सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में हैं। हमारे यहाँ हीरा है, कोयला है, चूना पत्थर है, सीमेंट उद्योग है, हम बिजली है, हम सक्षम है, मजबूत है। हमारा हक बनता है कि हमारा विंध्य प्रदेश यथावत उसी तरह बना दिया जाए। इन बातों को लेकर मैं, मेरी जो एक प्लानिंग है वो मेरी आप सब मीडिया वालों से भी है, हमारे इस विंध्य के साहित्यकारों से है, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं उनसे है, हमारे ये हमारे विंध्य के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारा जो युवा वर्ग है, इस आंदोलन को अपने हाथ में ले, पूरी ताकत के साथ इसके लिए जो भी करना पड़ेगा सब कुछ करने को तैयार हैं। एक प्लानिंग के साथ 16 तारीख को फिर हमारी भोपाल में मीटिंग है, भोपाल में जाऊंगा, वहां मीटिंग करूंगा, फिर इसके बाद पूरे विंध्य प्रदेश का दौरा करूंगा। यहाँ के वरिष्ठ जो लोग हैं इसमें शामिल हो सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उन सबको भी जोड़ के एक साथ चल के विंध्य प्रदेश को बनाने का काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।